I wanted two hero and a heroine, both can do humor very well. It was the most important thing, because it's easy to sing and dance and cry and all those things, but doing comedy, especially with a hero and heroine being equally good, is very important. That is my main reason for choosing Kareena. जब मैंने रेफ्यूजी देखी तब से मैं उसका ज़बरदस्त फैन हूँ. मैं मानता हूँ कि वो हमारी इंडस्ट्री का आई थिंक शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस, शायद दी बेस्ट एक्ट्रेस जो आज के ज़माने में जितने भी एक्ट्रेसेस हैं वो मैं मानता हूँ कि वो शायद सबसे बेस्ट हैं. हिमालय पुत्र तो मैंने कम से कम 20 बार देखी हुई है, क्योंकि तब मैं स्कूल में थी एंड उस टाइम अक्षय खन्ना वाज द लेटेस्ट हार्टथ्रॉब, तो लड़कियां तो उसके पीछे पागल थी, तो उसमें मैं भी थी क्राउड में कि अरे अक्षय खन्ना, आई एम अ बैचलर, आई एम अ बैचलर, माय गॉड अक्षय खन्ना, इट वाज लाइक दैट. सो आई हैव ऑलवेज लाइक्ड अक्षय, कि व्हेन आई सी हिम आई थिंक ही इज टू क्यूट, ही इज अडोरेबल, ही इज सो स्वीट, सच अ गुड ह्यूमन बींग एंड ही इज सच अ वंडरफुल एक्टर. अक्षय खन्ना इज द राइट पर्सन टू गो टू हॉलीवुड. फिल्म हलचल की कहानी है दो परिवारों की. एक तरफ है अमरीश पुरी, जो अपने चार बेटों अक्षय खन्ना, अरबाज खान, परेश रावल और जैकी श्रॉफ के साथ रहते हैं और किसी वजह से औरतों से सख्त नफरत करते हैं. हलचल तब पैदा होती है जब करीना उन्हें सबक सिखाने की ठान लेती है. शी इज अ कॉलेज गोइंग गर्ल, एक बबली कैरेक्टर है, पर इट्स अ वेरी पिवोटल कैरेक्टर इन द फिल्म, क्योंकि जो कहानी है इन दोनों फैमिली के ऊपर है, द गर्ल्स फैमिली एंड द बॉयज फैमिली. सो दीज टू कैरेक्टर्स ऑफ अक्षय एंड मी आर वेरी वेरी पिवोटल इन द फिल्म. जो मैं कर सकता हूँ बुनियादी तौर पर हलचल में, जो अपने हिंदी सिनेमा में होता है ना कि लव स्टोरी भी है, एक्शन भी थोड़ा बहुत है, इमोशन भी है, कॉमेडी भी है, इसमें भी सब कुछ है. एक पूरी जो हिंदी कमर्शियल फिल्म जिसे कहा जाता है ना, वो हलचल है. तो इसमें सब कुछ है और एक फुल एंटरटेनर जिसे कहते हैं, एंटरटेनिंग पिक्चर, जो मतलब लोग आके एंजॉय करके निकल जाएं.